التدريب المحلي. इजरायली पीएम नेतन्याहू पर आए दिन मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। जहां हर गुजरते दिन गाजा युद्ध से इजरायल के लिए बुरी खबर सामने आ रही है, वहीं अब फिर से दावा किया जाने लगा है कि इजरायली पीएम को 7 अक्टूबर 2023 के हमले की पहले से जानकारी थी। कई सुरक्षा रिपोर्ट्स ने नेतन्याहू के सामने ऐसी आशंका जताई थी कि इजरायल पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, मगर अब आरोप लगाया जा रहा है कि इजरायली पीएम ने इन सभी अलर्ट को नजरअंदाज किया। बीते दिनों इजरायल के विपक्षी दल के नेता यायर लैपिड ने इजरायली पीएम को घेरते हुए दावा किया था कि संभावित हमले की जानकारी होने के बाद भी नेतन्याहू ने कोई कदम नहीं उठाया था। इसके बाद से इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई। अब इस विवाद में शिन बैट प्रमुख रोनेन बार भी कूद गए हैं, जिन्होंने हमास के संभावित हमलों का अलर्ट देने की बात दोहराते हुए इजरायली पीएम को कटघरे में ला दिया है। रोनेन बार ने बताया कि जुलाई 2023 में इजरायली पीएम को चेतावनी दी थी कि जब तक देश को चलाने के तरीके में कुछ बदलाव नहीं किया जाता, तब तक इजरायल के भविष्य में युद्ध लगभग निश्चित रूप से होगा। अब एक इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला दावा किया है, जिसके तहत 23 जुलाई 2023 को नेतन्याहू सरकार की ओर से न्यायिक सुधार कानून के पक्ष में वोटिंग से पहले पीएम के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू को अलर्ट किया था कि इस विवादास्पद कानून और इससे इजरायली समाज में होने वाले विभाजन का फायदा दुश्मन ताकतें उठा सकती हैं। इजरायल के दुश्मनों ने अपने देश की कमजोरी देखी है और इसलिए उन्हें किसी भी वक्त हमला करने का मौका मिल गया है। इससे इजरायल एक बड़े युद्ध में फंस सकता है। दावा है कि इजरायली पीएम की ओर से चेतावनी को नजरअंदाज करने और खासा तूल ना देने पर शिन बैट प्रमुख ने पूर्व इजरायली पीएम और विपक्षी नेता लैपिड को भी ये चेतावनी जारी की थी। दावा किया जा रहा है कि बीते दिनों लैपिड के इजरायली पीएम पर लगाए गए आरोपों में भी शिन बैट के अलर्ट की छाप देखी गई थी, जिन्हें लगातार इजरायली पीएम ने कोई खास महत्व नहीं दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि रोनेन बार निश्चित थे कि इजरायल युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हमास के साथ युद्ध की तुलना में वह या तो उत्तर में हिजबुल्ला से युद्ध का जिक्र कर रहे थे या वेस्ट बैंक में बढ़ते नए प्रतिरोध की ओर इशारा कर रहे थे। इजरायल के विपक्षी नेता के लगाए आरोपों की तरह इजरायली पीएम ने शिन बैट प्रमुख के दावों को भी खारिज किया। अपने स्टैंड पर बरकरार रहते हुए इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम नेतन्याहू पर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि नेतन्याहू को गाजा में युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, ना ही एक महीने पहले और ना ही 7 अक्टूबर से एक घंटे पहले। प्रोटोकॉल इसे साबित करते हैं।